इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। जाना है यार, इससे अच्छा तो हम लोग फेल हो जाते। अब अपना टाइम गया यार, गया। अब इसको रात को 12 बजे भी फोन करने की खुश नहीं। अब तेरा बाप तुझे फोन करता है क्या? नहीं, मेरा बाप तो खुद ही आ जाता है। तेरी बारी। मेरे? I won't drink again. टू मिनट सारे बजे बॉस गाड़ी लेने गए। अच्छा, राइटर? नो सर। वाटर? नो सर। अबे रोटी को अबे अबे लाइटर देना यार। ओ हाय निखिल। हाय। हाय गाइस, क्या बात है, आज बहुत जल्दी घर जा रहे हैं। वैसे तुम्हारे कॉलेज का आज आखिरी दिन है ना? वैसे तेरे बाल बहुत बढ़ गए। स्टाइल है मैन, स्टाइल है। ये बाल की बात नहीं कर रहा हूं, जिम बंद कर अपना। Disgusting. अरे 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 सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनाई। ओ पायलट, कितना टाइम? सर 2 मिनट्स। अबे दे यार, मैं ही लेके आता हूँ। इतनी देर लगा दे, पता नहीं क्या क्या लगा के रखा है ऐसे। लो भाई, मुझे मैं निकालता हूँ। पकड़। बहुत तुम बह रहे यार।
सांस रुक रही है। पीछे क्या देख रहा है? Yeah.
और सुनो, क्लास पूरी अटेंड करना जी, और टिफिन का खाना पूरा खा लेना, बाहर का खाना मत खाना। हाँ टिफिन खत्म कर देंगे। हाँ हम निकले। आ जाओ बेटा, चलते हैं। हाँ। आप भी अपना ध्यान रखना। ओके पापा। हाँ ठीक है, ठीक है पापा। जाओ। ए रुको रुको रुको, तो इधर आओ, इधर आओ। हाँ पापा। ये माथे में कितने बाल फैला रखे। ठीक है, हम करते हैं, हम करते हैं। ठीक करो, ठीक करो। ठीक है पापा। हाँ चले। हाँ चलिए पापा। हाँ हम निकाले। बाय पापा। हाँ बाय, आराम से। चला तेरा फर्स्ट ईयर? यस, हाउ डू यू नो दैट? पैसे कमाने गया था उड़ाने बैंकों को। हाय निखिल। हाय निखिल। एडवर्टीजमेंट के कितने मिले? कौन सी एडवर्टीजमेंट? अबे टी शर्ट नीचे ले या तो फिर पैंट ऊपर कर, नहीं तो जिस कंपनी की चड्डी पहनता है ना उस कंपनी के पास से एडवर्टीजमेंट के पैसे ले, समझा? अबे चलना केला चल, दुकान लग गया है। अबे विक्की रुक जा, ले विक्की। अबे हट ले ना विक्की। ले विक्की कौन मिली बचा रहा हूँ। छोड़ चलमन डीलर, क्या बोला? जल्दी तेरी भी तो टाइम, टाइम पे क्यों नहीं आया तू? टाइम पे क्यों नहीं आया? तुझे पता है ना टाइम का दूसरा नाम निखिल है? टाइम का दूसरा नाम अगर निखिल है ना, तो ये गया तेरा सेकंड का काम। पूजा। Hi Nikhil, how are you? Ouch, मेरी गोरी टांगे काली हो जाएंगी। सच में मीठा हो गया है। Hey, bring me a cup of tea, dude. अरे भैया हम दूध नहीं चाय बेचा थे। बट तेरा बाप गया था उसको इंग्लिश सिखाने। तीन चाय दो मट्टी लावे। पानी ला। अबे ट्रे तो लेकर आता। अबे पीनी है तो पी। मट्टी कहाँ है? तेरी माँ का एटीट्यूड है, तेरे में चाय पियेंगे। चल
चल भाई दे दे रहा हूँ। कितना भाई बहुत पेन हो रहा है। हर विक्की का दिन होता है तो देख लियो। मुझे चाय पीना है। एक चाय लाओ। हाँ भैया ला रहे हैं। अरे बज गया घंटा। अरे भाई जल्दी। हाँ भैया ला रहे हैं ना। जल्दी पी ले बैल बज गई है भाई। क्या कस्टम होता है वो देख कौआ कहा है बे वो देख ना। अच्छा होगा क्या हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि ये कौआ काए 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 क्यों कर रहा है। अगर ये कुछ बोलता तो ये मुझसे क्या कहता। वो कहता कि तेरी फिलोसफी की पत्ती बना के डाल ले। प्लंबर बनूंगा। कोरी को छोड़ के प्लंबर को देख रहे तो दिखाना। हट दिखाना केले। हट दिखा 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 दिखा। अरे नहीं अब दिखाना। अरे नहीं बताई माँ की कसम नहीं। ओए माँ का दूध पिया है तो पेपर मुझे दे 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 दे। माँ तो मेरी बचपन में ही चल बसी थी। मेरे बाप ने मेरे को दूध पिला के बड़ा किया है। क्या माचो मैन तेरा बाप भी दूध देता है। हाँ तो ठीक है और बाप को दूध पिया तो पेपर मुझे दे 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 दे। मैं बॉटल की बात कर रहा हूँ। उसका बाप बॉटल में दूध देता है। अबे डेरी वाला होगा। ठीक ठीक मैं भी लेता हूँ। अबे ओ इधर बाप बुला रहा है। तू रमेश जी चतुर्वेदी मिश्रा तिवारी शर्मा यादव को जानता है। किसको। अरे अपना रमेश जी चतुर्वेदी मिश्रा तिवारी शर्मा यादव। नहीं तो सिंपिच मैं भी नहीं जानता। क्या फालतू घटिया एक नंबर का सड़ेला जोक मारा है। अब जो हिलेरियस मैन। अबे एक बज गया है लेक्चर का टाइम हो गया। हाय मेरी जान अब मजा आएगा। मजा आएगा मजा आएगा। पूजा माल करे धमाल एक बार हाँ कर दे तो खड़े खड़े शादी कर लूं। हाय हाय हाय। हाय और क्या हाल है। क्या हाल है। क्या हाल है। तेरा हाल बिगाड़ दूं क्या। मैं पूछ रहा हूं ना उसको। वैसे आज क्यों लेट हुई। हो गया। निखिल विकी सुरेश कम एंड सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। सर वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिसचीफ सर। सो प्लीज सर डू एज आई सी और लीव माई क्लास। सो क्लास टुडे वी आर हैविंग अ लेक्चर ऑफ सप्लीमेंट्स पेज नंबर 232 सिमुलेशन ऑपरेशन रिसर्चेस वी डिफाइन ऑन द। वेयर आर यू गोइंग। सर वी आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क फॉर। यस सर। सर यहां बैठे। यहां यहां बैठ जाओ। गेट आउट। इसका कुछ करना पड़ेगा। तू सोचता रहा भाई मैंने सुबह ही कर डाला। क्या उसने हमें क्लास से बाहर निकाला और वो कॉलेज के बाहर नहीं निकल पाएगा। पूजा माल करे धमाल। तेरी पूजा ने मुझे मार रहा है। तुम लोग को
पढ़ना नहीं है तो कॉलेज में क्यों आते हो? ओ, बस अब लेक्चर मत दे। जाने देना पूजा, किसको समझा रही है? किसको समझा रही है? मैं तेरे से बात नहीं कर रही। ओए, तुझे बोल रही है? हाँ बोलना। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अभी तो बोला मुझसे बात नहीं कर रही है। वो मैंने पहली बारी बात के लिए कहा। अबे पागल औरत, मुझसे बात करके मुझसे बोल रही है कि मुझसे बात नहीं कर रही। अब ये कैसी बात कर रही है? कंफ्यूज लड़की, तू प्लीज मुझसे बात मत कर। मुझे भी तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। ओए, तुझे बोल रही है? हाँ बोलना। मैं तेरे से ही बात कर रही हूँ ना। तू बोला मुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। टॉक टू माय हैंड। ईशा टाइम पास करे तो मेरे साथ चल। चल ना ईशा, ऐसा कल फिर से बात करेंगे। क्या कर रहा है मस्ती? तुझे पूजा से बात करनी थी, उसको घर छोड़ने जाना था। हाँ तो जाना है, किसे रोका है? चल जा। हर बार बिगाड़ देता है पूजा। अरे टिंडर की माँ की गुस्सा इसमें। फोन तोड़ दिया। पूजा एक मिनट, मैं क्या बोल रहा था कि क्या ईशा, हाय तेरे पापा आए थे तुझे ढूंढ रहे हैं। मेरे पापा? हाँ। कहाँ? वो प्रिंसिपल के ऑफिस में। और कहाँ? पूजा, बाय पूजा। अरे ईशा सुन, घर मिलते हैं। चल बाय ईशा। जान देना उसे, तू मेरी बात सुन। सुना? मैं क्या बोल रहा था कि मेरे बाइक में पंचर हो गया, तू मुझे घर छोड़ दे। दूल्हा प्रिंसिपल सर तुझे बुलाया, उनको कुछ अर्जेंट काम है, जल्दी जा। ओके। हाँ तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं तुझे, मुझे दूल्हा को घर छोड़ने जाना पड़ेगा। बाय बाय। शिट। हेलो सर, कल आपकी गाड़ी में पंचर हुआ था ना? हाँ। वो पंचर मैंने किया था। कौन बोल रहे हो? सर मैं पागल तोड़ी हूँ तो अपना नाम बताऊंगा। सर मेरे डैडी कहाँ है? डैडी? नहीं, डैडी कहाँ है? मम्मी को पूछो। क्या हुआ? क्या सर आपको कुछ काम था मेरा? हाँ, इसको हॉस्पिटल लेके जा, असली काम था। ओके। तेरा फोन क्यों बंद है? क्या क्या कह रहे हैं? अरे बैटरी गई। वेरी फनी। अच्छा सुन, तेरे पापा का फोन आया था, सिन्हा अंकल आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे लेने चले जाना। हाँ अच्छा, मैं बात करता हूँ पापा से। हेलो। हेलो पा। हाँ एक मिनट होल्ड कर। हाँ हेलो, सुन सिन्हा अंकल आ रहे हैं आज। पर आप मुझे क्यों भेज रहे हो? मम्मा को भेज दो ना, वैसे भी मुझे पूल खेलने जाना है। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मम्मा तो बोल रही है वो चली जाएगी। बात करा, ये लो बात करो पास से। देखिए मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, सारा दिन बाहर घूमता है। एक काम कह दो तो इससे होता नहीं है। अरे भाई आखिरी साल है कॉलेज में उसका, एंजॉय कर लेना तो उसे। आपने ही सर पे चढ़ा के रखा है इसे, बता रही हूं मैं।
भाई 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 एक शॉट मारने देना, अपनी बंदी को जाके बोल। दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मत बोलना। ओ हवाई घोड़े, तेरी कौन सी गर्लफ्रेंड आ गई? यार अभी नहीं है, पर कभी तो होगी ना। और वैसे भी मैं इसकी वन्ना के बारे में बोलूंगा तो इसकी जलेगी ना। अबे बोलना जो भी बोलना हो, वैसे भी मेरा ब्रेकअप हो गया है। क्या माचो मैं? कब कैसे? भाई भाई तेरा ब्रेकअप हो गया तो मेरी सेटिंग करा देना। चुप है। अबे ओ सेटिंग वाली चुप ना, तू बोलना भाई क्या हुआ? यार अपना वैकेशन चल रहा था ना, तो पा मुंबई गए थे और ऑफिस में संभाल रहा था। अच्छा। अब काम इतना था कि उसके चक्कर में वन्ना को 10-15 दिन तक मिल नहीं पाया। और तभी एक दिन 3:17 पे उसका फोन आया। मैं थोड़ा काम में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। अचानक की डिलीवरी पेन शुरू हुआ, मजबूरन मुझे ही उसकी डिलीवरी करनी पड़ी। 6 निकले हैं और सभी के सभी हेल्दी हैं। लेकिन तू उससे मिलने क्यों नहीं गया? और वैसे भी छिपकली बच्चे नहीं अंडे देती है। हाँ वो तो मैं भूल ही गया, तेरा बाप बहुत बड़ा जानवरों का डॉक्टर है ना, अब तक 50 छिपकलियों की डिलीवरी करके बैठा है ना। अब तक 50 नहीं, अब तक 56। वो 56 वाली के चुप बैठना, तू शांत हो जा भाई, थोड़ी सी बियर पी और बता कि आगे क्या हुआ। यार आगे मुझसे उसका रोना सहन नहीं हुआ। ढीला हाँ तो फिर आगे क्या हुआ? आगे मुझसे उसका रोना सहन नहीं हुआ तो मैं सारा काम छोड़कर उसे बाहर लेके गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ अबे तेरी माँ, क्या क्या हुआ वो तो बता। चुपचाप बैठी रहोगे तो मुझे बताओगी नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें क्या हुआ है। क्या ऑर्डर? अबे तू मेरे सर पे बैठ के ऑर्डर लेगा, थोड़ा दूर खड़ा रहे। बंधु क्या लोगे तुम? पास्ता? ओए तो चाय ले क्या? मुझे चाय नहीं पसंद। वरना कॉफी? कॉफी पास्ता? पास्ता तो कॉफी लेके आ चल। मुझे कॉफी नहीं पीनी। पर तुम्हें तो
कॉफी पसंद है ना? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें कॉफी नहीं पीनी तो और क्या पीना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पास्ता? अबे तेरे पास्ता की तो कॉफी लेके आना। ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो मैंने उसके लिए कॉफी मंगवाई। मैंने मना किया फिर भी तूने कॉफी क्यों मंगवाई? मैं अकेला पीता रहूंगा और तुम देखो कि वो कैसा लगेगा। तो तू भी मत पी। ये मेरे भाप का कैफे नहीं है जो फ्री में बैठने देंगे। यार तू फिर से रोने लगी, इतने दिनों बाद मिले हैं, मैं मेरा सारा काम छोड़ कर आया हूँ, क्यों ऐसा कर रही है? तूने कॉफी क्यों मंगवाई? तुझे पता है मैं तुझसे मिलने आया हूँ ना, अब मुझे सारी रात जागकर काम करना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी की मुझ पे, तूने कॉफी क्यों मंगवाई? हम 10-15 दिन बाद मिले हैं, कुछ और बात करें प्लीज। तेरी वजह से, तूने कॉफी क्यों मंगवाई? वैसे तू आज बड़ी खूबसूरत लग रही है। मक्खन मत लगा, पर तूने कॉफी क्यों मंगवाई? देख वो लड़की भी कॉफी पी रही थी। तेरा ध्यान उस चुड़ैल पे है तो तेरे मेरे लिए कॉफी क्यों मंगवाई? मैंने ना आज व्हाइट कलर की बनियान पहनी है। अबे काली भी पहन के आता तो क्या उखाड़ लेता तू? तूने कॉफी क्यों मंगवाई? ये देखा तूने कितना नुकीला है? नहीं तू भी ठीक से देख ले, तूने कॉफी क्यों मंगवाई? हाथ जोड़ता हूँ मैं, कॉफी की बात छोड़। नहीं तूने कॉफी क्यों मंगवाई? सब लोग हमें देख रहे हैं। अगर तुझे सबकी बड़ी है मेरी नहीं तो तुझे बाकी सबके लिए कॉफी मंगवानी चाहिए, तो तूने मेरे लिए कॉफी क्यों मंगवाई? तुम क्यों मना रही है कॉफी को लेके? तो फिर तू मेरी बात क्यों नहीं मानते? अगर तूने ये कॉफी नहीं मंगवाई होती तो मेरा झगड़ा ही नहीं होता। तूने कॉफी क्यों मंगवाई? क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा चूप। क्या चूप? क्या चूप? बोल 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 क्या चूप? गुस्सा तो बोल के दिखा क्या चूप? बोला क्या झगड़ा है? बोल बोल बोल। जोर से चुप बोला कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद हो गया है। ओह सॉरी, बैकग्राउंड म्यूजिक चालू रखना। अच्छा चल ठीक है, झगड़ा सिर्फ एक कॉफी का है ना, तो तेरी कॉफी मैं पी जाऊंगा। अगर तुझे ही मेरी कॉफी पीनी थी तो तूने मेरे लिए कॉफी मंगाने का नाटक क्यों किया? तूने कॉफी क्यों मंगवाई? सर आपकी कॉफी। अबे डाल दे अपनी कॉफी अंदर। किधर डाल? अंदर। किधर? मिला फिर भी मुझ पे गुस्सा किया जा रहा है। एक तो दिन भर काम करता रहता, ऊपर से मेरे मना करने के बावजूद भी फिजूल खर्ची किया जा रहा है। तूने कॉफी क्यों मंगवाई? मुझे क्या तेरी फिक्र नहीं होगी क्या? और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझ पे इतना गुस्सा कर रहा है? पर तूने कॉफी क्यों मंगवाई? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था एक कॉफी किसी का ब्रेकअप करवा सकती है। चिल मैन। ए डूड, लौटने के लिए कॉफी लेकर आ। ए तूने कॉफी क्यों मंगवाई? सर योर मेडिसिन। हाँ मैं फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठूंगा। पहले भी कौन सा बैठते थे? सही है, आज उस केले ने मुझे आगे बैठने को बोला तो गुड़का गुड़गांव कर दूंगा। निखिल, विकी, सुरेश, कम एंड सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। सर वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिस्चीफ सर। सर प्लीज लेट अस सिट हियर ओनली सर। शट अप, डू एज आई से और लीव माय क्लास। आज तो लग गए इसके। अच्छा चल भाई, लर्न दिस लेसन्स चैप्टर नंबर 9 पैरा 4। गेट योर बुक्स। हटना पड़ेगी बुक। 9 इज द मल्टीप्लीकेशन बाय द पीपल। सो इन दिस लेसन वी हैव 5.2 द वे ऑफ द इक्वेशन एंड
सो द इक्वेशन चार्जेस यू 5.9 मेगाहर्ट्ज़ एंड थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा है सर. हाँ सर अब दिख रहा है. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके सो द 9.5 इंटरेस्ट व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस. आई कैन टॉलरेट दिस. हु इज दिस. शट अप सर. वो फिक्स्ड लिखा है ना. वही कंसीडर ऑन दिस चैप्टर नंबर 9 राइट. द अफेक्शन ऑफ इट इज गुड. कॉन्सेंट्रेट. वी आर स्पाइडर. आई डोंट टॉलरेट दिस. आई एब्सोल्युटली नॉट टॉलरेट दिस. ओके फाइन. सो ऑल गर्ल्स लीव माई क्लास. डू एज आई से. लीव. हे गर्ल्स वेयर आर यू गोइंग. One by one, please. Oh, can you say that again, one by one? I got it. I will do that definitely. हवा दिखेगा, यमराज दिखेगा. अब देखो कहां से घुसेरता हूं और कहां से निकालता हूं. रुको सब लोग. अरे रुको. ए रुको. नहीं नहीं, ये मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, इसे कोई नहीं रोकेगा. मेरा बेस्ट स्टूडेंट दलजीत, इसे कोई नहीं रोकेगा. तुम जाओ, तुमने कोई गलती नहीं की है. तुम बिल्कुल अच्छी हो, अच्छी हो जाओ. आवाज कर रहा था, उसको क्यों नहीं मारा. अब तू मुझे सिखाएगा. रुक बैठा हूं. रुक. हां जा रहा है. अपनी फट गई लाल कलर की बैठ से. रुक. हां आओ ललिता. सर हम गंजाम सर से आपकी कंप्लेंट करेंगे, आपने हमको गाली दी. मेरी कंप्लेंट करेगा. अरे मैं उस मोटू से डरता नहीं हूं, समझा. वो प्रिंसिपल होगा अपने घर का, मेरे आशीर्वाद से. अरे तुमको पता नहीं है, अगर उस मोटू में दो कौड़ी की अकल होती ना तो तुम लोग यहाँ पर नहीं होते, और उस मोटू की जगह पे मैं प्रिंसिपल होता. सर सर आप हमारे प्रिंसिपल के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए सर, गंदी बात सर. वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा है कि मात पिता से ऊंचा गुरु का स्थान होता है सर. अबे तुलसीदास ने नहीं, रामदास ने, कबीरदास ने कहा था. अरे सर किसी ने भी कही हो, बात तो सही की ना उसने, गुरु का ही सबसे बड़ा स्थान. अच्छा वो गुरु और मैं. ये सर देखो देखो चुप बोले, आपको चुप बोले. चुल्लू पर पानी में डूब मरो तुम लोग. नाम क्या है क्या तुम्हारा, तुम्हारे प्रिंसिपल में ऐसा क्या है यार, नाम भी कैसा है. घनश्याम. बंदूक से गोली छूट रही वैसा लग रहा है. घनश्याम. सर आप हमारे प्रिंसिपल गुरुजी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते. कहना है तुम के मुंह पे गई है. अरे तुम के मुंह पे भी कहूंगा. मैं क्या डरता हूँ क्या तुम्हारे प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल की वाके आए. When you finish your this guru lecture, no, meet me in my office. Okay, am I clear, Mr. Bhatt? Good sir.
सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम कुछ छोड़ कर इस सबकी शुरुआत ना निखिल और विकी ने की थी. नो विकी ने की थी. ये निखिल भी ना उसके साथ रह के दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है यार. अरे ईशा कहाँ जा रही है? सर मेरी केस ना क्लास में कहीं गिर गई है. मैंने सब उन्हें मुझे रखा मारा. सॉरी मैं जानबूझ के नहीं टकरा थी. सॉरी. मैं क्या उसने जानबूझ के टकराई थी? जंगली सांड कर. हाँ वो है ही ऐसा. चुप हो जा बाबा. मेरा नाम तोड़ दिया. कुछ नहीं हुआ. अरे वो है ही ऐसा. चुप हो जा. कितना रोएगी बाबा. चल चुप हो जा. आइसक्रीम खाएगी. खाएगी. ओके आई जस्ट कम. थैंक यू. एक कॉफी और एक आइसक्रीम भैया. एक आइसक्रीम निकाल. हाय पू. आज तुम लोग की वजह से मैं क्लास से बाहर थी. एंड डोंट कॉल मी पू. कॉफी का ऑर्डर दिया. कोई प्रॉब्लम? अकेली भी निकल के लिए भी बोलना है. एक कॉफी. वो देख आ रहा है पीछे से. हाय. हाय. कॉफी. कॉफी का तो नाम ही बदलियो मेरे सामने. क्या हुआ? छोड़ रहे पागल है. मैं पीता हूँ कॉफी. पू भैया दो बनाना. इस लोमो यहाँ केले भी मिलते हैं. क्या घटिया जोक जानते मना कर देते ही शक्ल देख के कॉफी ड्रिंक का मूड चला गया. वैसे भी टाइम नहीं है मेरे पास. टाइम हो गया. चलें ठंड रख पे केले. बहुत टाइम बाकी है अभी. तुम लोग मूवी के लिए जा रहे हो? नहीं मूवी तो रात को जाएंगे. अभी तो ट्यूशन क्लास है. तो पढ़ने के लिए इतना सीरियस कब से हो गया? तीन बार आसाम में इसी बात पे कॉफी पीने का मूड बन गया. वी आर स्पार्टन. अहू जय महेश जोतिराज. क्यों ऐसा है भैया? एक और कॉफी बनाओ. दो कॉफी. तीन कॉफी. तू तो मुझसे बात ही मत कर. क्या हुआ? इसने ईशा को जोर से धक्का मारा. वो देख बेचारी बैठ के रो रही है. उसने पहले मुझे धक्का मारा था. वो तुझे जान बुझ के नहीं टकराई थी. एक मिनट एक मिनट. दूल्हा तू चल मेरे साथ. चलना भाई. और कुछ चाहिए? हाँ ईशा बैठ जा. बैठ जा. डर मत मैं हूं ना यार. फ्रेंडशिप में ये सब तो होता ही रहता है ना. अच्छा चल इसने मारा तुझे. देख अभी सॉरी बोलेगा. तुला सॉरी बोल दे भाई. बुरा लगा तुझे? बुरा लगा? बुरा लगा तो मेरे घंटे भाई. सॉरी बोल देना यार. देख इतनी प्यारी सी बंदी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है तू. चल अपने भाई के लिए सॉरी बोल. सॉरी. देखा साफ दिल का बंदा है. इट्स ओके. बोल 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 ना. इट्स ओके. ध्यान से देखो दिलजी. बहुत इजी है. तुम्हें समझ में आ जाएगा. ओके देखो इसका एंट्री यहाँ मारो इसका एंट्री यहाँ मारो तो दोनों का टोटल सेम आना चाहिए. समझ में आया दिलजीत? नहीं. अरे क्या यार तीसरी बार मैं तुम्हें समझा रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आता है. अब ध्यान से देखो मैं दोबारा नहीं बोलूंगी. ओके अब देखो यहाँ इसका एंट्री यहाँ मारो इसका एंट्री वहां मारो फिर दोनों का टोटल मारो. और दोनों का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए. समझ में आ गई जी? नहीं. गॉड ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मैं बुक लेके आती हूँ जिसमें सारे डिटेल्स हैं. निखिल तुम तब तक इसे समझाओ अगर ये समझ पाए तो. मैं बुक लेके आती हूँ. तू कहाँ जा रहा है बे? मैम को समझने मतलब बुक लेने. ए विकी मुझे भी बुक चाहिए. मैं भी चलूँ क्या? ओ सांड अंदर मत आने दीजिए इसे. अभी लेके चलना मेरे को यार. ए तुला सुन अब अगर मैम तुझे पूछे ना कि समझ आया कि नहीं
तो हाँ बोल दियो, समझा? मैं कभी झूठ नहीं बोलता यार, इसका हर बारी का। मुझे भी बुक चाहिए। बुक कहाँ है? तेरे बाल को क्या हुआ? मैं ना निखिल से समझ में आया कुछ? हाँ मैम। सही मैम। मैम आखिरी बार इसे समझा दो, मेरी तरह सारी बातें इसके समझ में भी आ जाएगी। देखो यहाँ, इसकी एंट्री यहाँ मारो, इसकी एंट्री यहाँ मारो, फिर दोनों का टोटल मारो और दोनों का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। समझ में आया दिलजीत? नहीं। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? आज का लेक्चर खत्म, चलते हैं। जाओ तुम लोग, मैं जरा मैम को होश में लेके आता हूँ। अब बहुत हुआ तेरा बसकर केले। अबे चल मत भाई, आ रहा हूँ, बोलना आ रहा हूँ मैं। जाओ, चल दूल्हा। हाँ तुम लोग चलो, मैं भी मैम को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। ओ सांड, लेके जाइए इसे। भाई बैठने देना यार। भाई यार बैठने देना यार, तेरी बहन को थोड़ी चढ़ा यार। ओए, टिकट्स बुक करवाई तूने? तू करा लेना भाई प्लीज। घंटा तेरा टर्न है। भाई भाई मैं टर्न कहां से आ गया? हाँ चल, सारी टिकट्स मैं ही बुक कर लेता हूँ, यहीं पे बैठ के आराम से। सेंटर वाली ले लूँ ना टिकट्स? ठीक है मैं करवा लूंगा। जा नहीं नहीं मैं करा लूंगा, करा लूंगा मैं। पॉपकॉर्न और वो सब भी करवा लूंगा मैं तेरे को। अरे करवा लेता हूँ ना मैं। क्या कराएगा तू? मैं करवा लूंगा, ऐसे भी मैं दे दूंगा। मैं करवाऊंगा। नहीं मैं करा रहा हूँ, मेरी टर्न है। ठीक है आया ना आप लाइन पे? लाइन पर हूँ भाई मैं, लाइन का ही चक्कर है सभी। जा यार, मूवी चालू हो जाएगी, क्या करूँ यार, हमेशा लेट आते हैं। भाई शादी हो गई? अबे ओ टाइम की भुंगड़ी बना और ले ले। मुझे नहीं, इस बुक्कड़ को बोल खाना छोड़े तब निकलू ना मैं। ले भाई टिकट दे। ठीक से खाया? विक्की नहीं आया अभी। ले आ गया। ओ जंगली सांड। भाई तो अभी तक क्लास पे ही था। आज भाई मैम का यहाँ से पूरा लाल हो गया। फिर क्या, मैंने तो वहां लाल कर दी। अकेले टिकट देना, घुस क्या गया मोबाइल में? आविष्कार चुकी मुहा से दूर करे और एक प्राकृतिक सुंदरता। हेलो, आ रहा हूँ आधे घंटे में। बाय। वैसे जरा क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहा था? अब मेरे बाप को पता नहीं है, मैं फिल्म देखने आया हूँ। नहीं मतलब ये कर क्या रहा था? ताकि उसको डायलॉग सुनाने दे। अब तो अपनी फिल्म देख ले यार। ओके बिल्कुल मेरे जैसा है ना। हाँ एकदम खटेला, क्या एनर्जी है यार। घंटा मुझे भी घोड़ा बनना है। घोड़ा क्या बोल रहा है? ओ भाई अंकल जी, वो हीरोइन क्या मस्त लग रही थी, उसकी जैसी बंदी अपनी लाइफ में आ जाए ना, माफ करता हूँ लाइफ बन जाए भाई। समान अंदर अंदर अंदर, पीछे पीछे पीछे, औसान पीछे। On your mark, get set, go. This Suresh disqualified. देख ले, देख ले, उसने लेट चालू किया इसने। अबे घंटा लेट चालू किया। इसका हमेशा का चीटर। तेरे चीटर बोलेगा तेरे को गिला करूंगा, करूं करूं गिला करूं। बेटा तेरे मुंह पे ऐसी धार मारूंगा, स्क्रैचेस बढ़ जाएंगे तेरे। मेरा भी बहुत टीका है समझा। खत्म। देख कैसे ईमानदारी से बोला। ईमानदारी का दूसरा नाम निखिल और तीसरा नाम विक्की। अबे नाटक मत कर, चल बाहर आ। मेरे लिए समोसा और कॉफी। मेरे लिए कॉफी और पॉपकॉर्न। अबे दोबारा पॉपकॉर्न? मैं 6 बार खाऊं तेरे को क्या? सही है मेरे को क्या, इसका नाटक दिखाता हूँ। सुन,
मेरे लिए कॉफी के अलावा जो मिले ले आई हो, समझा? अच्छा मेरे लिए ले मेरे लिए एक केला बेटा, सब तू लाएगा और पैसे भी तू देगा, चल जा। अबे घंटा मैं क्यों पैसे दूंगा, मेरे बाप का बैंक क्या? क्योंकि तूने सबसे लेट चालू किया और सबसे पहले खत्म किया। चाल पकड़ पकड़ मत कर, चाल चाल चाल। अरे अंकल अभी तक चालू नहीं हुआ। अरे छोड़ो यार, चैन नहीं खुल रही है मेरी। अबे अरे चैन नहीं खुल रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं खुल रही, पैंट गीला कर देंगे भाई। अरे मुझे लगता है अंकल कंफ्यूज हो रहे हैं, अंकल दो नंबर में ट्राई करो। अंकल हम चले जाए, बाद में कर लियो, बुरा मान जाएगा वो। पक्की बात है अंकल, घर भूल के आए हैं। भाई चलते जाना भाईयो, मूवी से पहले तेरा खत्म हो जाएगा ना। चल चल। ऐसा बोझ देना पड़ेगा। तू बाहर मिलियो। ये ले मेरी केट विंसलेट। चाय? मुझे तो कॉफी पीनी थी। क्या हुआ? अबे जंगली सांड, बास्केटबॉल खेल रहे थे हम, कुश्ती नहीं, हाथ तोड़ दिया उसका। कॉफी बना। देख ले समोसा। भाजी आलू पराठा। अबे ओ इधर आ, चल। अबे दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। भाजी कितना बताना? हाय पू। हाय बताना, ये कॉफी का चक्कर है क्या? इसने बताया नहीं अभी तक। क्या? अरे वो क्या हुआ, इसने वंदना के लिए कॉफी मंगाई और वो ब्रेकअप करके चली गई। What nonsense? सच्ची बोल रहा हूँ, वंदना से पूछ ले। सच में? हाँ। तेरा ब्रेकअप हो गया? तू बड़ी खुश हो रही है इसके ब्रेकअप पे? ऐसा कुछ नहीं है। छोटी 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 छोटी। निखिल I'm sorry, मुझे पता नहीं था। मन में बोल रही है निखिल, I'm so happy. आज के बाद कॉफी का नाम मत लियो मेरे सामने। कभी नहीं। हाय पूजा, तुम लोग ही? नो आई एम फाइन थैंक्स। मैं लेता हूँ। हम लेते हैं ना? मेरा बिल्कुल। अब्बा हाय पूजा। हाय, तू मुझे आज घर ड्रॉप कर देगी? मेरे पास व्हीकल नहीं है। या श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक्स, यू वेलकम। तो तू आई कैसे थी? पापा छोड़ गए। तेरे पापा का तेल का धंधा है ना? नहीं, वो तो जॉब करते हैं। चल हो ही नहीं सकता, झूठ मत बोल, तेरे पापा का तेल का धंधा है। अरे कौन सा तेल का धंधा है? अबे कौन सा तेल मतलब? अरे मतलब वो इंडियन या वो जापानीज। क्या करता है यार, बिना फोन के
के सामने कुछ भी बोलता है यार। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोल। अरे यार मैंने तेरे पापा पे जोक नहीं मारा। क्यों मत बोले? ऐसा क्यों बोला कि मेरे पापा का तेल का बिजनेस है? तो तू इतना सारा तेल ही क्यों लगा के आती है? मेरे मम्मी पापा मुझे तेल डाल बिना घर से बाहर नहीं जाने देते। बिल्कुल मेरे जैसा है यार। अच्छा सुन, कल से मैं भी तेल लगा के आऊंगा तो मेरी मत ना। अबे क्या बोल रहा है? अरे हाँ, मेरा मतलब कल से मैं भी दोबारा मारना। हाँ तो कल से मैं भी तेल लगा के आऊंगा तो फिर भी हंस लेना। अच्छा चल मैं तुझे आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। मुझे नहीं खानी। नहीं आइसक्रीम तो तुझे खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। नाटक मत कर वरना तुझे तेल वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा। देख देख देख, अजी अजी अजी। अच्छा चल तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, ठीक है? कुछ घुसा क्या? नहीं मुझे उसे बोलना है मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। पूजा तो खाएगी क्या? नो आई एम फाइन थैंक्स। क्यों? क्योंकि उसने तेल नहीं डाला। क्या? अबे जा ना, मतलब जा, वो कोई दूसरी आइसक्रीम ले लेगा। जा। मैं तेल आई मीन आइसक्रीम लेके आती हूँ। विकी यू आर सो मीन। अबे लग गया यार, अब क्या हुआ भाई? शीतल मैम का मैसेज आया है हमारी ट्यूशन क्लास नहीं लेगी वो। क्यों, क्या हुआ? उसने पहले मुझे मारा था। अबे जल्दी सांड, तेरी वजह से मेरी सैडी चली गई। अब तू जाके उसको ढूंढ के लेके आ, तब तक वापस करियो। विक्की यू आर सो चीप। ना चीप। अब तू कहां जा रही है? आई कांट बेयर दिस एनीमोर। और कल वैसे भी एग्जाम है और तुम लोग की तरह मैं जीनियस तो नहीं हूँ। स्क्रू द एग्जाम, पू, लेट्स हैव फन टुनाइट। हट हट हट। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। तेरे पास मैं तो हूँ ना। पका मत, जल्दी बोल क्यों फोन किया। अच्छा सुन, निखिल का बर्थडे है ना, तो हाय 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 हाय। निखिल का नाम सुनते ही ब्लशिंग ब्लशिंग। तू कहाँ है अभी? आज तो सुनने ब्लश कर रही थी क्या? अच्छा वो छोड़, निखिल का बर्थडे तो उसके घर जा रहे हो उसको विश करने के लिए, तो मैं तेरे घर के नीचे 10 मिनट में आ रहा हूँ, फटाफट नीचे उतर। लेकिन मुझे 10 बजे के बाद घर से निकलने की परमिशन नहीं है यार। वो तेरा प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? बतेरी की लगा के बीच में घुसा रहा है। तेरे पीछे ऐसा लगा क्या हो गया तेरा? अबे तो अभी तक भजन सुन रही है। लेकिन मम्मा मना कर देगी विकी। अरे यार वो तेरा प्रॉब्लम है, मम्मा को बताओ नीचे उतर, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, हॉर्न बजाना शुरू कर दूंगा उससे पहले पूरा मोहल्ला उठ जाए, तू नीचे उतर। अरे मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ विकी? बाय। पापा 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 रुको। बाहर मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें बोल दो कि कल कल एग्जाम है तो जाके स्टडी करें, और बोल देना कि मैं सो गया हूं। ओके? लेकिन वो तो तुझे बर्थडे विश करने आया ना। तो मैंने बाप, आप नहीं समझोगे, बस कुछ भी करके, कुछ भी करके उन्हें यहां से भगा दो, किसी को भी करके अंदर मत आने देना बस। निखिल। हाँ पा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पा। आप कौन? अच्छा मैं कौन? मजाक कर रहे हैं। निखिल कहाँ है? निखिल सो रहा है। सो रहा है? ऐसी एक्टिंग कर रहा है, ऊपर है, जाओ। ऊपर की आवाज नीचे नहीं आनी चाहिए, नीचे आंटी सो रही है। ओके ओके। हैप्पी बर्थडे। मेरे बर्थडे पे कैसी पार्टी की थी तूने? Stop!
वेट वेट ये सब तेरे हीरो ने शुरू किया बने उठा इसको घर से मेरे अबे यार इन लड़कियों को लाने नहीं थी हर जगह अपनी टांग अड़ा देती है ना हाँ करती है ना कुछ करने देती है तुम ठीक हो ज्यादा लगा तो नहीं लगा तो नहीं क्या करते हो तुम लोग डांस करते हो है क्या नहीं सर ये तो मेरी बर्थडे गिफ्ट है ओ बर्थडे बम्स हैप्पी बर्थडे थैंक यू सर स्टार्ट राइटिंग जाना है जाऊं सर सुसु करने जाना है पानी पीने जाना है जाऊं सर सुसु करने जाना है पानी पीने जाना है और वो करने भी जाना है सर सब कुछ करने जाना है सर क्वेश्चन पेपर इतना टफ है देखते ही सब कुछ आ जाता है जाऊं गो थैंक यू सर कौन सा क्वेश्चन है तीन नंबर क्वेश्चन नंबर बेटा अबे अपने आप देख ले अबे ये मेरी बुक है यार पहन देना शेयर करते हैं शेयर करते हैं शेयर करते केले पहन तो लेकर आया कर ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट बेस्ट कम टू क्या होता है इक्विलिब्रियम हां बेटा बता आई टू डेढ़ घंटे से टॉयलेट में था तेरी किडनी को ज्यादा ही बड़ी है क्या सर जाऊं जा ए मैं कमिंग सर कहां था
एक्चुअली क्या हुआ सर, वहां पे गया तो मैं सब पीला पीला लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं आ गया। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तुम जैसी। आओ। उसको क्या हुआ? देख उसकी फटी पड़ी है। इसकी हमेशा ही। झूला वापस आ जा, बैठ जा। फटी पड़ी है इसकी। कदे की चाट के आया क्या? हैं? नहीं मतलब वो तेरी शक्ल ऐसी थी इसलिए पूछा। वैसे भी इसकी शक्ल ऐसी ही होती है। अच्छा तू बता क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। चल चल झूला, कैंटीन चलता है, आ जा। बता क्या हुआ? किसी ने मारी तेरी? किसने? मेरे बाप ने। अब तेरा बाप भी नवाब है, आज पता चल। अब तीन बार ही उल्टा। मुझे गुस्सा आया इसलिए। अच्छा चल बैठ जा, वैसे भी तू गुस्से में जादू दिखता है। भाई जा, 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 जादू कौन? तू। अच्छा चल बता क्या हुआ। ए विक्की चुपा है, चुपा है। क्या हुआ तू बता? मेरा बाप मेरी शादी की बात कर रहा है। क्या शादी? तू शादी करेगा? मतलब तू शादी करेगा? तू जैसे भी शादी करते हैं। अबे लड़की मिल गई, शादी का मतलब पता है तुझे? अबे तुझे शादी करनी भी आती है? धोने को पानी नहीं है और समुद्र खरीदने की बात कर रहा है। चल मत यार, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, मेरा बाप ऐसी बात करता है। अबे पर इतनी जल्दी क्यों है उसको? मेरे बाप को, मेरे बाप को लगता है कि मैं जवान हो गया हूँ। जवान? अबे तूने ऐसा क्या किया जो तेरे बाप को पता चल गया कि तू जवान हो गया? वो एक्चुअली कल, वो कल रात को। रात को क्या? रात को वो। अबे दुकान क्यों दिखा रहा है? ओ सॉरी, कल रात को मैं वो देख रहा था तो मेरे बाप ने मुझे देखते हुए देख लिया यार। मुझे भूख लगी है। अबे यार यहाँ भी हवा टाइट हो रखी है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार? प्लीज कुछ सोचो ना, कल मुझे लड़की को देखने जाना है। चला जाना तो लड़की को देखने, वैसे भी कोई लड़की तो जा नहीं बोलने वाली। अबे प्रॉब्लम ये नहीं है, शादी की प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो मैं कर लूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? अबे प्रॉब्लम लड़की की है। क्या प्रॉब्लम? लड़की के माँ बाप से मैं मिला हूँ। हाँ तो यार उसके बाप को देखेगा तो बिल्कुल टापर जैसा है। ऊपर से उसका होंठ नहीं है यार, बिना होंठ का बाप। और उसकी माँ, उसकी माँ के चार दांत बाहर निकले हुए हैं ऐसे, चूहे की जैसे। तुम्हें और ड्रैकुला की मिलन से ही ऐसी शक्ल पैदा हो सकती है। चूहा और ड्रैकुला इमेजिन करवाई। अब एक एक करके क्या रख रहा है यार, पत्ते बांट रहा है, चलना यहाँ से जा। अच्छा अच्छा ठीक है। कल तुझे लड़की को देखने जाना है ना, तो चला जाओ, रिजेक्ट कर दे उसे, सिंपल। अरे बात वो नहीं है, मेरे बाप ने पूरा का पूरा बम्बू फिट कर रखा है, अगर मैं लड़की को रिजेक्ट करूंगा तो वो बम्बू मेरे अंदर घुसेड़ देगा यार। आप बहुत बड़ा शौकीन है। सही है भाई। अबे अगर लड़की मुझे रिजेक्ट कर दे तो? भाई कुछ सोचो ना, लड़की मुझे रिजेक्ट कर दे। अबे सुरेश, तुझे शादी नहीं करनी? नहीं करनी। पक्का शादी नहीं करनी? पक्का नहीं करनी। सुरेश तू फिर एक बार सोच ले, तुझे शादी करनी नहीं है। अबे दिमाग का हेल मत कर, नहीं करनी। तो एक काम कर, अपनी दुकान तेरे नाम कर दूंगा। अबे तूने अपनी शक्ल देखी है, ऐसा लगता है मिट्टी का क्या है। अबे तेरे बाप ने क्या सोच के तेरे नाम रख दिया सुरेश? अबे तू जैसों की शादी नहीं होती, अर्थियां उठती है। तू चू था, चू है और चू रहेगा। मुझे पता है मैं बहुत बड़ा चू दिखता हूँ। तुझे पता है? आगे बोल। हाँ तो ठीक है, अगर लड़की ने तुझे हाँ किया तो तुझे रिजेक्ट करवाने की जिम्मेदारी हमारी। वो कैसे? चाय आ गई। अरे बेटा चाय रख। भाई साहब चाय लीजिए ना। जी जी जी। बिस्किट, बिस्किट लीजिए। चलिए ड्राई फ्रूट ले लीजिए। अरे बेटा आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? आप ही लीजिए ना ड्राई फ्रूट। चलो अखरोट ले लो। ले लो ना बेटा, लो। हाँ बेटा लो। बच्चा है। तो आप सब एक साथ पढ़ते हैं? जी अंकल। भाई आजकल के पढ़ाई का क्या कहना है?
बच्चों के सर पे तो पढ़ाई का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बच्चा फर्स्ट आए। बताओ इसलिए हमने तो अपनी निशा बेटी पर पढ़ाई का जोर डाला ही नहीं। देखिए तारे जमीन पर हमने भी देखी है। गुड गोइंग भाई, आई लव यू। अब तेरे लिए तो मेरे दिल जिगर और मेरी जान तीनों कभी भी और कहीं भी। अब पता चला तेरे ससुर के होंठ कहाँ गए। आंटी वो काविंग आपने की है? आंटी जरा इसे भी। ओके। वैसे आपकी बिटिया निशा दिखाई नहीं दे रही। दिखाई देगी जी, दिखाई देगी। अभी आ रही है। निशा बिटिया कम डाउन। ऐसी होगी डामर जैसी, ऐसे दांत वाली। कारपेट गंदा हो रहा है। अबे कच्चे मेरे, तू इस माल के लायक नहीं है। अबे हाँ, अगर इसकी शादी तेरे से हो गई तो मेरे तो जली जाएगी, मर जाऊंगा, लेकिन इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगा। भाई प्लीज ऐसा मत करना, मुझे पसंद है यार। अपनी बहन बना ले। बेटा शर्मा मत, है कुछ बातें करो, कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई है। वैसे बेटा तुम करते क्या हो? जी बीकॉम थर्ड ईयर। थर्ड ईयर? डोंट यू थिंक यू शुड एटलीस्ट कंप्लीट योर ग्रेजुएशन बिफोर मैरिज? आई मीन व्हाई इन सो हरी? ग्रेजुएशन तो शादी के बाद भी हो जाएगी भाई, यही सही उम्र है शादी की, लड़की जवान हो गई है। लड़की? ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं। हाँ बे चंदू, मामला बिल्कुल तेरे जैसा है। हाँ बे कौन से कॉलेज में पढ़ती है? एचके कॉलेज। वी आर इन यूनाइटेड आल्सो इन थर्ड। यूनाइटेड? वाह, मैंने बहुत ट्राई किया वो कॉलेज में एडमिशन लेने का, बट मुझे नहीं मिला। हो गया, समझो तुम्हारा एडमिशन हो गया। अरे गर्ल ट्रस्टी है कॉलेज के। रियली इज दैट पॉसिबल? 110%। थैंक यू, दैट इज सो नाइस ऑफ यू, आई रियली अप्रिशिएट दैट। यू आर मोस्ट वेलकम। भाई साहब आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, कुछ है तो बता दीजिए। देखिए भाई साहब, ये जो लेने देने का रिवाज है ना, ये बहुत ही गंदा होता है जी। मैं तो इन चक्रों में पड़ता नहीं हूँ। मुझे तो निशा बस एक साड़ी में ले जानी है।
अपनी भाभी को ऐसे विजुअलाइज कर रहे हो? गलत बात है। हम नहीं कर रहे। इसका बाप इसे चू बना के बाहर भेजता है और ये बाहर आके डबल चू बन जाता है। चले तुझे ज्यादा लगी हो तो बाहर जा सकते हैं गाड़ी के पीछे, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तू चल रहा है? बैठ ना, थोड़ी देर में निकलते हैं यार। ए पू को हमेशा घर जाने की जल्दी होती है। पूजा प्लीज यार बैठ ना, कितना मजा आ रहा है। 11 बजे से पहले घर पहुंचना है, डैड ने कहा है। ये भगवान ने बाप क्यों बनाया सच में यार। निखिल चले बैठ ना, निकलते थोड़ी देर, बैठ जा। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? ओए उसने तुझे पूछा? नहीं वो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा था ना और मैं निकल रहा था। चले पूजा। यू आर सो राइट। तुझे क्यों लेट हो रहा है बे? नहीं वो एक्चुअली सुबह मेरा क्रिकेट मैच है ना तो मुझे जल्दी उठना है। पता है मुझे तू कितना बड़ा बैट्समैन करता है नहीं? अब तेरे कंधे नहीं दुखते, कलाइयां मोटी हो गई है तेरी भाई। चले निखिल चल भाई मैं चलता हूँ, इसको छोड़ के आता हूँ। तेरे मर रही भाई। बैठा है निकल रहा है? पता नहीं यार, फोन कर लूँ। चल ठीक है, बाय गाइस। बाय बाय बाय। आई गो टू द रेस्टरूम एंड कम। ओके बाय। जल्दी आना। तुम भी जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूँ? सीढ़ी मारने जा रही हूँ, छोड़ेगा? मुझे भी सीढ़ी मारनी है। अरे सर आप यहाँ? सर आप तो दूध पीते थे ना? वो
ये तो क्या कि मेरी फियांसे के साथ आया हूँ। सर आपकी शादी तय हो गई। कांग्रेस सर। कांग्रेस सर हवाई बंदी से मतलब मैडम से मिलवाइए ना सर। बताओ ना उसमें क्या है। शीतल 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 आजा इधर आओ कम। शीतल ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। हाय। ये मेरे फियांसे हैं। ये विकी है, ये सुरेश है और वो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं नो। नहीं सर कभी नहीं मिले सर। अब आया नोट मेरे नीचे। ए दूल्हा देख विकी झूठ बोल रहा है। तुम भाई ये विकी झूठ बोल रहा है। हम जानते हैं इनको। हम इनके पास ट्यूशन लेने जाते थे और मैंने जब इसे कान के नीचे बजाई तो उस दिन से उसने हमारी ट्यूशन लेना बंद कर दी। और उस दिन से विक्की मुझसे बात नहीं करता है। बोलते तेरे वजह से मेरी आइटम चली गई, तेरे वजह से मेरी सेटिंग बिगड़ गई। सेटिंग आइटम क्या बोल रहा है? नहीं मैं नहीं जानती उसे। आप विक्की से ही पूछ लीजिए ना प्लीज। अरे मैं किसी से भी पूछूंगा तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले तो मैं विक्की कहां गया। विक्की ओपन द डोर। निशा चल चलते हैं। क्यों यार मुझे बैठना है, मुझे वॉशरूम जाना है यार। वॉशरूम बैन कर दिया है, नीचे चल। अरे नहीं यार मेरे को जाना है। दूसरे पब में लेके चलता हूँ यार चलना। विकी रुकना। अरे तू क्या इधर खड़ी है यार। मैं पहले क्वीन चलना। विकी मुझे बैठना था। और यार स्टेप्स इन प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रीमाइसेस फॉर दैट व्हाट वी विल डू वी विल टेक सर मे आई कम इन एग्जांपल कम इन सिस्टमैटिक प्लानिंग इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ very practical way. For that what we will do, we will have an example of a company in which the company is going to take all that steps what we understood till date. And generally when a business is conducting a brand audit, the main goal is to uncover business's resource strengths, deficiencies, best market opportunities, outside threats, future profitability.
और डैड के फ्रेंड की फर्म में इंटर्नशिप कर लूंगी। तेरे डैड भी तो सीए है ना, उनकी फर्म में इंटर्नशिप क्यों नहीं कर लेते? आशिक मैच देखने के लिए आया तू? हाय हाय। जीते की हारे? ऑफ कोर्स हार गए, लेकिन तेरे भाई ने क्या बैटिंग की, 6 पे 8 छक्के। फिर भी हार गए? 6 पे 8? हाँ, 2 बॉल थे ना। मैंने पहली बार हाथ में Guys are so cheap. करेगा बोल दिया। Stop laughing. Nikhil. क्या हुआ? बहुत गहरी चोट लगी है, इन्हें 1 हफ्ते का कम से कम आराम चाहिए। थैंक गॉड। व्हाट थैंक गॉड? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तू इस बेचारे पे क्यों चिल्ला रही है? इसको देख के बॉल फेंकनी चाहिए ना। तुम सब एक जैसे हो, वो चीप बातें करना जरूरी था क्या? मैंने की, विक्की ने की थी। विक्की कहाँ है? विक्की। अब बोला। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। क्या बुरा किया? मेरा भाई बोल के तेरी भाभी को बटा ले गया। तो अब वो तेरी भाभी है, और याद रखियो भाभी माँ समान होती है। भाई माँ का तो पता नहीं, पर तो होती है। डर की ऊपर वाले से डर। अच्छा सर, एक काम करेगा? अब बोलना यार, निशा को छोड़ देना यार, निशा मुझे बहुत पसंद है। तो क्या अपना कटवा लूं? मेरा अच्छा है ये जो मैं बता रहा हूँ, तू पहन ले। निशा मेरी होगी, तू किसी और को पकड़। किसी और को पकड़? किसी और को पकड़। अबे यार काम वाली भाई के माने यार, निशा से मत सेटिंग होगी, तूने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। तेरे बाप ने तुझे ऐसी गलती, इसमें मेरी गलती है। क्या क्या करते हो वैसे तुम? इधर सोचता रहे। सोचूंगा तो बाप कैसे बनूंगा यार, इसको होश आया क्या? दिख नहीं रहा बे। डॉक्टर ये क्या कर रहे हो? मैं इसका नर्व इंपल्स चेक कर रही हूँ। हमें जब भी कहीं चोट लगती है तो हमारा दिमाग बताता है कि चोट कहाँ पे लगी है, अगर उसे फील होगा तो वो रिएक्ट करेगी। डॉक्टर बस तो जाएगी ना? हट जाओ, मैं इसे फील करवाता हूँ। सौ सोलर की, 1 लोहार की, ट्राइ दिस, यू विल हैव डेफिनेट रिजल्ट। तेरे बाप ने जिंदगी में कभी दूर से भी गिटार को देखा है क्या? अब संगीत मेरी रग रग में बसता है और सुर मेरी रोम रोम में। अब पादू भी तो ऐसा संगीत निकले, ऐसा संगीत निकले कि बड़े बड़े खास आपों ने। वाह उस्ताद वाह, क्या बात है, फाड़ दिया। चुप बैठ, नहीं तो सो जा। पूजा का मैसेज आया, पूजा का मैसेज आया। अरे एक मैसेज पे इतना खुश हो गई तू? यार सिर्फ एक मैसेज करती है, एक मैसेज, गुड नाइट। और इतना प्यार से लिखती है, इतना प्यार से लिखती है कि उसे पढ़ के सोचता हूँ अब पूरी रात जागू। आए मेरी पूजा, आए मेरे पूजा, पूजा मार करे दमा। घर की इसकी माँ का, तेरी जात का इसने मारा। अबे बहन के भाई, जान मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। लोरी का लोरी, अबे रख रख लोरी वाले,
तुम ना बाजू वाले रूम में जाके सो जाओ। ओके। गुड नाइट निखिल। गुड नाइट। गुड नाइट। जा भाई जाके देख गेस्ट रूम की जगह कहीं तेरे बाप के कमरे में ना चली जाए। भाई तो पढ़ता है यार मेरी को। अरे भाई बाप है तेरा, थोड़ा एडजस्ट कर लिया कर। मैं भाई सवाल एडजस्ट करने का नहीं, तो सवाल फ्रीडम का है। फ्रीडम का। फ्रीडम का। अभी ये मेरा रूम है, बराबर है। अभी इस रूम में मैं कुछ भी करूं, कुछ भी करूं, कुछ भी करूं इस रूम में, कुछ भी करे। नहीं नहीं भाई, उसके हिसाब से पेशाब करो। भाई तू यहाँ पेशाब करता है? अरे नहीं भाई, पेशाब तो टॉयलेट में। अरे भाई मुहावरा है वो, मुहावरा। अच्छा मुहावरा। भाई भाई तुझे सुबह की बात बताऊं, मैं कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, बस यहां से वहां चक्कर लगा रहा था। एक ही चिपकाई। यार मेरा बाप मुझे समझता ही नहीं है यार। अब मैं बिना नोक के रूम में अंदर आ गया। हा? ये गलत बात है, मैनर्स होनी चाहिए, गलत अब बात है। यार जब तक मैं सुत्ता ना मारूं तो मेरा प्रेशर नहीं बनता भाई। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना, है ना, है भाई, है भाई। मेरे बाप को आगे समझाओ। मैं समझाता हूँ, बुला। बाप तो गाँव गया ना भाई। अरे हाँ, मैं बाद में समझा दूंगा उसको। तो अभी यार लेकिन सोचता नहीं है यार, बिना सोचे समझे चिपका दिया। अबे तेरे बाप ने सब कुछ सोच समझ के किया होता ना तो तू पैदा ही नहीं होता। चुप है। देख देख सच बोला ना, चली इसकी चली 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 चली। अभी ये सुनकर तेरी जलेगी। क्या 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 क्या? दो दिन पहले मैं निशा को घर पे लाया था। खा लिया? नहीं सिर्फ नाश्ता। बाय विकी। बाय अंकल। पीठ से एक ही चिपकाई। बाप मुझे समझता ही नहीं। तेरे बाप को दो ज्यादा चिपकानी चाहिए थी, है ना? दो ज्यादा चिपकानी चाहिए थी। तेरी तो चलेगी, तेरा गल्ला बनता भी है भाई। तेरा माँ को जो पटाया मैंने सुरेश कहीं भी Thank you.
छोड़, पानी लेके आ। अरे पानी वानी छोड़। बैठिए माँ। कहाँ है मेरा बेटा? अरे मेरी आगे तरस गई है उसे देखने के लिए, जल्दी से तो उसे बुला ना। अरे क्या देख क्या रहा है सर, बुला उसे जल्दी से। हाँ माँ, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। फोन करता हूँ यानी वो घर पे नहीं है? कहाँ गया होगा वो सुबह सुबह? हाँ हाँ मंदिर गया होगा, देखा मेरा संस्कारी बेटा कितना बढ़िया है। हाँ बेटी, मैं अभी उसे बुला के लाता हूँ। अरे उसे बताना मत कि दादी घर पे है, मुझे उसे सरप्राइज देनी है, सरप्राइज। एक बैग बनाना मेरे लिए, XDML। राम राम अंकल। विक्की कहाँ है? बीबी यहाँ कौन चिल्लाया? बाकी कल कर लूंगा। आज संडे है फिर भी मैं तेरे लिए ऑफिस आया हूं, और तुझे जाना है? बाकी कल कर लूंगा ना। जाओ। थैंक यू पा। हाय, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद था मेरा बर्थडे, इसीलिए तो आज का प्लान बनाया। सो स्वीट, थैंक्स। हाँ तो सुन, मैं 15 मिनट्स में निकल रहा हूँ, तुझे लेने आ रहा हूँ, रेडी हो जा। अभी तू तो 4 बजे आने वाला था ना? अरे 4 बजे तक मैं वेट नहीं कर सकता, मैं अभी निकल रहा हूँ बस। लेकिन अभी से कहाँ जाएंगे, शो कितने बजे है? अबे शो को मारना गोली, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन मुझे रेडी होने में टाइम लगेगा निखिल। अबे तो कुछ भी पहन ले, माली लगेगी। चल मिलके बात करते हैं। 15 मिनट्स। 30 मिनट्स। 15 मिनट्स। 30 मिनट्स प्लीज, आज मेरा बर्थडे है, कोई तो मेरी बात सुन ले प्लीज। 15 मिनट्स ओवर एंड आउट। झुका के तुम पास आए, फिर
बंदी के बारे में तू ऐसा कैसे बोल सकता है? अबे यार क्या करूं यार, कमीनापन जाता ही नहीं है खून में, वो सब कुछ छोड़। ये बता प्रपोज कब कर रही है तू? अब तेरी मुझे चोक मार रहा है, अभी स्केल लगा दूंगा मैं। ओपो के भाई उनके अपनी हमें देना कर रहा है बे? वो बनाओ जो बैठना बॉम्ब वाली, बोल बच्चन मत कर, मार दूंगा मैं। मारेगा? तू जानता नहीं मेरे को भी। हाँ मैं तुझे जानता ही कहा हूँ। दिखा 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 देगा, मार के दिखाना, मार के मारो 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 पक्का मार सकते, मार सकते, हाँ मार सकते, मार मार दिखा, मार दिखा दिखा अबे दिखा, चबा के रहा है पूरा पूरा खा जाएगा क्या? दिखाना मार के, हाँ बात नहीं है, फटो 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 मुझे फटो बोल रहा था, फटो बोल रहा था मुझे, फटो बोल रहा था मुझे, पता नहीं है वाई कट हो रहा है, ऐसे ऐसे मारता हूँ मैं। I am suspending you for a week. Sir, but it was on me. 2 weeks. Please, sir. 3 weeks. And I don't want to see you in my class again. Get out! ये देख लंगूरी यहाँ पे बैठा है। बैठ लेते हैं इसकी। क्या भाई कितने बम बनाए? ले, तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, डाल दे अंदर, समझा? डालूँ? कितने दिनों के लिए सस्पेंड हुआ मेरा भाई? वैसे मैं बोर हो रहा था अंदर, ठीक है? अच्छा, एक हफ्ते के लिए नहीं, नहीं पर भाई को तो आर्गुमेंट करनी थी। 3 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गया मेरा भाई। तू खड़ा क्यों हुआ? जल्दी तेरी, हां जल्दी पकाएगा, कुछ पका ले। देख दूल्हा बू आ रही है ना, बू आ रही है। करारा जवाब मिलेगा। अबे घंटा तू क्या जवाब देगा? अबे सुन सुरेश आ रहा पीछे, देख मत देख मत, मना किया गालियां सुना, आने दे उसको, उसके भी लेते हैं, सबके लिए आज तू। हाँ मेरे पीछे कौन है? होगा कोई सुअर की औलाद। कहाँ जा रही है? मुझे भी ले चल। घंटा ले मैन। क्या हुआ, क्यों वॉक ले? किले एनी टाइम। दुला दे तो निकल पड़ी, ईशा मेरे ऊपर भी गिरना, ईशा सेम मेरे साथ भी करना प्लीज। पूजा मेरी बात तो सुन, पूजा मेरी गलती नहीं है। अरे यार पूजा बात तो सुन मेरी, हाथ छोड़ मेरा। पूजा मुझे नहीं पता था मेरे पीछे तू है यार, मुझे लगा सुरेश है मेरे पीछे, मुझे पता होता मेरे पीछे तू है तो ऐसा थोड़ी ना बोलता मैं। तो क्या बोलता?
सुअर की औलाद। विक्की सॉरी बोल। मैं भी सॉरी बोलूं, सुअर तो तूने बोला। पूजा मेरी बात तो सुन, पूजा पूजा अब तो सुन, पूजा विक्की बस कर, अभी रो रही है। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने इसको बोला था सुरेश है पीछे, इसीलिए इसने गाली बकी। आज के बाद मेरे डैड के बारे में कोई मजाक मत करना। हां नहीं करेंगे, और ऐसा ही है तो तू मेरे बाप के बारे में बोल। मेरा बाप सुअर खुश। विक्की कैसा है तो यार, ऐसा नहीं बोल रहा बाबा के बारे में। देख सॉरी एक्सेप्ट कर, नहीं तो बोलूंगा। इट्स ओके, चल आइसक्रीम खाते। मुझे नहीं खाना आइसक्रीम। चल मैं खिलाता हूँ। मुझे नहीं, आइसक्रीम वाले पीछे यार, आइसक्रीम मैं खिलाऊंगा। अबे मेरी वजह से ये रोई है तो आइसक्रीम मैं ही खिलाऊंगा। कांड पूरा मैंने किया तो आइसक्रीम भी मैं ही खिलाऊंगा। अबे सुअर तो मैंने बोला ना, तू बच्चे याद आया। तू काउंसिल ना, सुअर से याद आया, अगर दुनिया में एक भी दाना खाना ना बचे तो कौन सा जानवर जिंदा रहेगा? क्या जरा जवाब तू बोल। व्हाट? सुअर क्योंकि वो अपना ही खाता है, तो जब भी भूख लगी किया खाया, किया खाया, खाते जाओ जीते जाओ, खाते जाओ जीते जाओ। मैं अमर हूँ, आई एम लेजेंड। तो तेरा बाप भी अमर होगा। ओए बाप के बारे में मत बोल। ओए पहले तू बोलो। मेरा बाप है कुछ बोलो। चलो बाप होता है किसी का तो समझा। इतना इतना सारा तो करवाता है मेरे बाप के साथ। ओए ओए पूजा, अगर अगली गली से निकलने वरना वंद्रा को फोन करके बोल दूंगा, तू इसकी सेटिंग के चक्कर में लगा हुआ है। विक्की फिर वो इसको फोन करके क्या क्या बोलेगी ये तू सोच ले। तुझे मेरा एक्सपर्ट मिला था लाइन मारने के लिए, तू मेरी फ्रेंड हो गए, मेरे एक्सपर्ट के साथ मजे करेगी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने मेरे एक्सपर्ट को क्यों बुलाया? I'm sorry वंदना, okay? Sorry डायन की मुझे अच्छा नहीं लगता, तूने मेरे एक्सपर्ट को क्यों बताया? हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं वंदना। फ्रेंड तो मेरी भी थी, लेकिन मेरे तो पीछे चुड़ैल डाल दिया तूने। अबे काम का चुड़ैल, उसके भी पिछवाड़ में चुड़ैल कौन थे? नहीं क्या नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाथ हटा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाथ हटा। अभी बदली गली से निकल, और मैं माटी गली से निकलता। सॉर्ट आउट हो गया, चल आइसक्रीम खाते हैं। हटा, तुझसे बात नहीं करनी। अरे चलना तेरे को, छोड़ आइसक्रीम खाऊंगा कभी जिंदगी में नहीं खाएगा। दिल्ली की फाड़ आइसक्रीम है वो, ईद और खाते जाओ खाते जाओ। अबे चलना आइसक्रीम। टाइम पास मत कर यार। आए आए हाय 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 आई लव यू। मैं जा रही हूँ। अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कोई तुझे आई लव यू बोलेगा तो तू क्या करेगी? बाय। अरे बैठना। हाँ छोड़ मेरा। बैठ वरना सबके सामने जोर से आई लव यू बोलूंगा। यार कैसा है तू, बैठना। सो इरिटेटिंग जंगली, यू हर्टिंग मी। हाँ छोड़ मेरा। बैठ, पहले मुझे ये बता कि कोई तुझे आई लव यू बोलेगा तो तू क्या करेगी? चमाट मारूंगी। हाँ छोड़ मेरा। ओके सुरेश तुझे प्रपोज करेगा तो? जी मरना है मुझे। मेरे बारे में क्या ख्याल है? हाथ दे अपना। तू क्या ज्योतिष है? और वैसे भी मैं सुरेश नहीं हूँ, सब लकीरें हाथों में, चेक कर ले। अबे राखी पगली राखी। अबे मुझे बैंड वैंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बैंड। इधर भी मारना। गॉड क्या करूं इसका। कुछ मत कर, आइसक्रीम खा ले। बनाओ। नहीं खाना आइसक्रीम। अच्छा ठीक है, तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई, सच्चे से भी अच्छा वाला भाई, ठीक है? ओके ओके ओके। अच्छा दीदी वो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मैं निखिल को जिज्जा जी बोलूं, तुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बाय। अरे दीदी हाय ना तो बोलो। ए दीदी आ तेरी विक्की। टैक्सी में आया हूँ। अरे कोई बात नहीं है सर, मैं कल हवा निकाल दूंगा। अब से मैं रोज टैक्सी में आऊंगा। ये तो चीटिंग है ना सर। यस। मैं कमिंग सर। क्या काम था सर? ये क्या, ये कॉलेज फेस्ट, आपकी अप्रूवल चाहिए थी। ये क्या, ग्रुप डे, सिग्नेचर डे, गन्स एंड रोजेस डे, ये क्या? सर वो क्या है ना कि सर, वो तो वो है ना कि सर, उसमें क्या होता है कि सर अच्छा लगता है, मजा आता है, शांति मिलती है। क्या है?
बहुत बढ़िया होता है सर. ओके वी गॉट द अप्रूवल. के उसे चुप करवा दो. चार थे. अब आई ना लाइन पे पांच वाली. ओके गाइस लेट्स टेक अ ग्रूफी. ये लो ना हटा. ओके गाइस तेजी. नहीं नहीं दिख रही. अरे यार ये कौन सी बात है. ओके गाइस तेजी तेजी तुम्हारी गदा नहीं दिख रही. अरे सुरेश नहीं सुरेश. सुरेश सुरेश सुरेश. अरे एस 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 फॉर सुरेश. एस फॉर सुरेश. तेरी एस का प्रॉब्लम है. अबे लंडो को मत छेड़. निशा मेरे साथ भी राइड पे चलना. ऊपर. हाय पू. हाय लॉलीपॉप खाएगी. चल निशा जीजाजी खेलते हैं. क्या जीजाजी. वो तो जीजाजी खेलना नहीं आता यार. पक्का मत. ए दूल्हा ये देख जीजाजी नहीं खेलने मेरे साथ. जीजाजी जी जा जी. कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे कभी पीछे कभी एक कभी दो कभी तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस. चाचू मैं जा रही हूँ. अबे कहाँ जा रही. जूनियर केजी में चला जा. मुझे भी चीजें से खेलना है. इसके साथ खेल. क्या लिखा है. आई लव यू. औकात भूल गया क्या. मैं बाप को चैलेंज कर रहा है तू. अबे तेरे जैसे बाप गंड से. तो बेटा पूजा तेरे हाथ से गई. भाई नाम बदल दूंगा अगर ऐसा हुआ तो. तू अपना नाम है ना सुरेश रख लियो. अबे सुरेश नाम तो. यार विकी देखना वो मुझे कब से ताड़ रहा है. ताड़
हारने दे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पसंद। अच्छा पूरा गांव तुझे देखे, तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? मेरा भूखा दोस्त थोड़ा सा इधर उधर देख ले, तुझे प्रॉब्लम होती है? लेकिन यार देखने की भी कोई लिमिट होती है। इधर गया, देख वो देख। यार वो मुझे ऐसे देखता है, पता नहीं अपने ख्यालों में क्या क्या करता होगा। मुझे लगता है जैसे मेरा रेप हो रहा है। देख 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 देख, हवस और कहीं का अब भी घूर रहा है। घूर रहा है, घूर 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 घूर। चलना यार मेरे को नहीं पसंद। फिर कॉफी पी? हाँ सच्ची वाली कॉफी। आज किसी के साथ तो सेटिंग करके ही रहूंगा। केला नहीं तो केले का छिलका ही सही। हाय ये तुम्हारे लिए, आई लव यू। शक्ल देखी अपने आईने में? तू मुझे रोज दे रहा, चल भाग यहाँ से। अबे तूने तेरी शक्ल देखी है? चुड़ैल कहेगी तेरे मुंह पे तो मैं पा दूं भी ना। उसमें वो बेचारे की कोई गलती नहीं है? पता नहीं क्या खाया था उसके बाप ने, सुअर जैसी शक्ल दी है। कॉलेज में कोई लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं है। 3 साल से वो केला अकेला घूम रहा है। 3 साल? हाँ। यार ये सब सुन के मुझे और ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। क्यों? वो मुझे देखने आया था। हाँ। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे मेरे साथ है, भाभी है तेरी। यार भाभी क्या लाऊं? गोदी में बैठ जा भाभी के। चचा भाभी का देवर। छोड़ना उसे, 3 साल खत्म होने को आए और बेचारे के पास एक लड़की नहीं है। तो तू करना उसके लिए कुछ। मैं क्या करूँ? उसका सेटिंग करवा कहीं। मेरे सेटिंग का धंधा खोल लगा यहाँ पे। सेटिंग करा, छोड़ा जान दे अपने को। क्या वो देख आया लंगू। यार आई फील सो बैड फॉर हिम, ही सच अ लूजर। यार इसकी शक्ल थोड़ी अजीब सी नहीं है? हट। उसको देख के मुझे कभी कभी लगता है कि वो मेंटली थोड़ा चैलेंज्ड है। What? मुझे चैलेंज किया था। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। विकी सुन तो सही। फाइनली जीजा जी आ रहे हैं तुझे प्रपोज करने के लिए। जीजा जी बोलना बंद कर, बहुत चीप लगता है। मन में लड्डू फूट रहे हैं, मेरे सामने नाटक कर रही है। जुटी 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 जा रही। अरे कहाँ जाना है तुझे? जीजा जी आ रहे हैं प्रपोज करने के लिए। हाँ सुनो मेरे, अब जाने देगा मुझे? यार कहाँ जाना है, मैं सच बोल रहा हूँ। छोड़ना मुझे यार, रुकना। हाय सुरेश। तू ये सब करता है ना, इसीलिए तुझे कोई लड़की नहीं मिलती। वैसे भी नहीं मिलने वाली। ऐसा तुझे लगता है? तू चाहे ना तो कॉलेज की किसी भी लड़की को पटा सकता है। घंटा, मुझे मेरी औकात पता है। क्या घंटा? मैं बोल रही हूँ ना, कॉलेज की सारी लड़कियाँ तुम्हें तिरछी नजर से देखती है। हैं? हाँ एग्जाम्पल दू। हाँ पा देख। अच्छा चल छोड़, वहां देख। उसको मेरे को देख रहा है, उसकी तो देखा। हाँ यार। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दू, कैंपस में मैं जब विकी के साथ बैठी थी तो मुझे देख रहा था कि नहीं? हाँ। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी तुझे तिरछी नजर से देख रही थी। चल झूठी। हाँ ब्लशिंग। अब देख, मैं तो विकी के साथ हुआ ऑल दैट, लेकिन बाकी सारी लड़कियाँ तुम्हारे ही बारे में बात कर रही हैं। जैसे डॉली, पिंकी, पूजा, ईशा। पूजा
पूजा मेरे बारे में बात कर रही थी। लो बताओ, वो तो हर वक्त तुम्हारे बारे में बात करती है। सच्ची? हाँ। नहीं नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही है। अब तुझे मेरी बात पे भरोसा ही नहीं है तो बात करके क्या फायदा, चल छोड़। पाए निशा सुन तो। अरे सुन तो सही, कहाँ जा रही है? मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं मेरे बाप की कसम। सच्ची? बाप की कसम, कोई झूठी खाता है? पूजा तेरी बैग। ओ मैं बैग वाली, निकलना यहाँ से, यहाँ इंपॉर्टेंट बात चल रही है। बैग लेके बीच में आ गई, दोबारा दिखेगी तो चोटी काट लूंगा। मैं भी इनकी भुंगड़ी बना लियो। सो रूट विकी, छोड़ना। क्या बोल रहा था मैं? बाप की कसम, कोई झूठी खाता है? बता रहे पूजा क्या बोल रही थी मेरे बारे में? छोड़ ना यार, तुझे मेरी बात पे यकीन ही नहीं है तो बात करके क्या फायदा? नहीं यकीन है। तू बता ना पूजा मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? अब एक बात हो तो बताऊं। हाँ। पूजा हर वक्त तेरे बारे में बात करती है, पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है। आई एम गोइंग। अरे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। हाँ लेकिन मैं निखिल को फिक्स नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मैं घर जा रही हूँ। अरे यार निखिल की भी यही हालत है, इसीलिए वो डायरेक्ट प्रपोज नहीं करेगा। पीटी चाहे रुक ना, सुरेश के थ्रू करेगा। सुरेश के थ्रू मतलब? अरे तू निखिल को जानती है ना, उसकी फटती है इन सब बातों से। तो वो सुरेश को रोज देगा, सुरेश तुझे रोज देगा, तू सुरेश को हाँ बोलेगी, वो निखिल को जाके बोलेगा, तब जाके वो तेरे सामने आएगा। तू समझ रही है ना? अब तुझे ये तो पता ही है कि निखिल को भी, ओए यहाँ के बैठ। अब तुझे ये तो पता ही है कि निखिल को भी पूजा पसंद है। हाँ। पर पूजा उसे घास तक नहीं डालती, पता नहीं उसके दिल में शायद। जानो गधे अपना मुंह धो के आओ। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो कब आएगा? कौन आएगा? सुरेश कब आएगा? मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। ओहो बैठी लो है, अपना फोन दिखा, जल्दी दिखा। पासवर्ड क्या है? नहीं सही है। हेलो सुरेश। हाँ मैं क्या बोल रहा था, इधर आवाज नहीं आ रही, दुनिया की बात कर लेता हूँ। अबे कान में से उंगली बाहर निकाल, मुझे बाद में ले लियो, बात सुन। अच्छा निखिल ने जो तुझे रोज दिया था ना, उसका मैसेज पढ़ते ही केले की चटनी गीली हो जाए। हेलो हेलो। हाँ 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 भाई ठीक है, जल्दी आ जा फिर तू। ओके क्या हुआ? सुरेश कभी भी आ सकता है यार। ऑल द बेस्ट ऑफ, थैंक यू तो बोल। थैंक्स। कोई बात नहीं यार। पूजा 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 निशा पूजा। अबे तू तो मारा हो गया। ए तू हंसी क्यों? एक जोक याद आ गया। मुझे भी सुना ना। बात मुझे ना मैसेज आया। क्या मैसेज है? तू पढ़ना। सुरेश तेरी तो निकल कहाँ गया? सुरेश सुरेश अभी ये बंदर की तरह पेड़ पे क्या लटक रहा है, नीचे उतर। पहली बार किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया है। मैसेज आने से ये हाल है, पता नहीं पढ़ के क्या करेगा। सुरेश बेटा प्लीज नीचे आ जा। नहीं पहले तू मैसेज। यार तू है कि क्या सुरेश? थैंक गॉड। पता था मुझे यही होने वाला है। चल जब तक ये होश में आए तब तक मिशन टू कंप्लीट करते हैं। चल। पूजा पूजा पूजा। ये गीला गीला क्यों लग रहा है? पानी पीना हो तो पी ले, बोतल गई आज। रजित
उसे देख। तुला अबे बोतल को देखना। तुला देख अबे बोतल को देख। ढक्कन दिख रहा है तुझे? ढक्कन दिख रहा है ना तुला? वो ऊपर। अबे ढक्कन ढक्कन को देख। तुला यहां भड़कता रहता है हमेशा बस। देख ले भाई। तुला अरे मार लो। गोली नहीं डाली? मैं मार के दिखाता हूं। निशाने की मां बहन कर दी। अबे गोली नहीं है उसमें। हिलाओ इसको। चिक चिक चिक। वाशिक होली हुआ है क्या? तूने मुझे चैलेंज किया था ना? मुझे चैलेंज किया था ना तू? अभी तू अब आओ स्लीपिंग पिल्स तेरी भाभी को बहन दे। बेटा पूजा तेरे हाथ से गई। सुरेश जा रहा है उसे देने रोज और पूजा बोलेगी हाँ 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 हाँ। इतनी हंसी आएगी मुझे इस बात पे। हाँ इसे लगता है मैंने जोक मारा। बोल तू एक काम कर खुद ही जाके देख ले। सुरेश जा रहा है पूजा के पास। सच बोल रहा है केला? He's so right. Never challenge him. तुला चल। ये ले। कहाँ जा रही है? हम बाद में बात करते हैं शाम। ओके मैं कैंटीन जा रही हूँ। ओके हाय। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम भी ओके लग रहे हो। थैंक्स। वो मैसेज? हाँ वो मुझे बताया कि न ये तुम्हारे लिए खाएगा अभी देख लियो। तेरा तो कट गया बे। पूजा ने तो हाँ बोल दिया। सुरेश थैंक्स। अरे छोटा क्या बड़ा आटा टेढ़ा है क्या? दो तीन चार पाँच पचास सौ हजार दस हजार बता दे बोला। Are you okay? I don't think so. मैं और नहीं देख सकता। अबे रुक जा छोड़ चल अभी बाकी है सुसाइड बाद में कर लियो। ये रोज तो निखिल को वापस कर देगा और उसको बोलना कि डायरेक्टली मेरे साथ बात करें। रोज निखिल को क्यों? निखिल को एक सेकंड। तूने अपना फोन विक्की को दिया था? हाँ। ओके सुरेश। हाँ? निखिल को मैसेज देगा ना? मैसेज? ओके थैंक्स। बाय बाय।
पहले तो तू मुझे ये बता कि ये कांड करने के लिए किसने बोला था तुझे? पूजा क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि कितना बड़ा ढीला हूं मैं कि सामने आके प्रपोज तक नहीं कर सकता? अबे तू ढीला ही है, इसीलिए मैंने सब कुछ किया। अभी एटलीस्ट ये तो पता चल गया ना कि बंदी की तरफ से भी मामला क्लियर है। एक तो हेल्प करो, ऊपर से गालियां सुनो। अब हेल्प की भुंगड़ी बना, डाल दे अपने अंदर हेल्प की तो। और तू भी, इसने बोला और तू पिछवाड़ा उठा के चली गई यार रोज देने। मार ले। अबे तेरी तो देखू भी ना। निशा तू तो मार ले, तूने मेरा इतना बड़ा चू बनाया, इतना तो हक बनता है मेरा। ओके चलेगा। और निशा तू, ये केला तो पैदाइशी कमीना है पर तुझसे भी यही एक्सपेक्टेशन थी मुझे। सॉरी। अरे क्या सॉप, लेकिन तू अपसेट क्यों हो रहा है यार? ये सही तो कह रहा है, एटलीस्ट तुझे ये तो पता चला कि पूजा भी तुझसे प्यार करती है। तू क्या बोल रही है? अबे सुन। हाँ बोल। अबे सुनने के लिए बोला, चढ़ने के लिए नहीं। बैठ बैठ जा। ओ स्लोमो, बर्फला भाई के लिए। अबे एक साल से तू पूजा पूजा करके उसके आगे पीछे घूम रही थी, घंटा बोल पाई तू? अभी दो दिन बचे हैं कॉलेज खत्म होने के और कल आखिरी दिन है। अगर मैं कुछ नहीं करता ना तो हिलाती रह जाती तू। अबे एक साल से अल्लाह भी बोलने का जिगरा ना हो ना, उसे ढीला ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढीला। क्या दूल्हा क्या बोलते हैं? दूल्हा बोल तो। मैं ढीला नहीं हूँ। अबे ज्यादा है वो कहते। मैंने कहा ना डर मत, अभी भी तू डर रही है। डर मत। ओके मैं नहीं डर रही। आई लव यू। आई लव यू। ए निखिल, विक्की, सुरेश, ये बेहोश हो गई। पानी लो, पानी लो। अबे उठ जा, अबे उठ उठ। नहीं लाएगा। दूल्हा क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ मारा तूने इसको बे? मैंने नहीं मारा। ईशा, ईशा यू ओके? ईशा क्या किया इसने? ईशा डर मत, बता क्या किया इसने? इससे मुझे I love you कहा। कसम। What the? I love you? मेरे भाई तुझे पता तो है ना I love you का मतलब क्या होता है? हाँ पता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू भी बोल I love you। ईशा हाँ बोल दे। What? ईशा हाँ बोल दे। देख तू अगर हाँ बोल देगी तो ये कभी तुझे मारेगा भी नहीं, और कोई तुझे मारेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और मेरे को कोई हाँ नहीं बोलता यार, एटलीस्ट तू तो हाँ बोल दे। अब चलना मनुष। ईशा इज द राइट गाय फॉर यू, से यस। हाँ बोल दे ईशा, कम ऑन। ईशा यस बोल। हाँ मैं बोल दे। तो तू भी बोल I love you, बोल I love you। अभी चिल्लाओ। Thank you.
क्यों मारती है? अब कथे वो लात नहीं मार रही है, लाइन मार रही है। अच्छा तू ही मार। ओके थी बातें कब खुल गई? जब सफर शुरू हुआ तो कितनी मंजिलें मिल गई। अब जब जब चलेगा तू तो हाथ हूं मैं तेरा मेरे दोस्त। जिंदगी मुसलसल है, साथ हूं मैं तेरा मेरे दोस्त। Good evening, respected teachers, principal, trustees, juniors, and my dear friends. As we all know, there are only a few hours left before we leave our college. हर सेकंड मुझे अपनी दिल की धड़कन का एहसास हो रहा है। ये टाइम भी कितना अनकंट्रोलेबल है। But still, I wish my heart to beat here, only in this campus for longer. जब हम छोटे थे तो हमसे हमेशा पूछा जाता था कि बड़े होकर हमें क्या बनना है, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं पता था। बट नाउ थैंक्स टू माई टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स, मैं प्राउडली कह सकती हूं कि मुझे हमेशा एक स्टूडेंट बनकर ही रहना है और हर दिन जिंदगी सीखते और सिखाते रहना है। आई नो अब हमारी फेसबुक टाइमलाइंस पहले जैसे नहीं होगी, और जब हम अपने लास्ट 3 इयर्स के बारे में सोचेंगे देन एवरी सिंगल अपडेट विल बी मिस्ड। कॉलेज का फर्स्ट डे से लेकर फ्रेशर्स वेलकमिंग पार्टी तक, अपने पास वाले बेंच पे बैठने वाले पे स्माइल करने से लेकर एक दूसरे पर हंसना, और उसके बाद हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बन जाना। एक तरफ अटेंडेंस का डर और दूसरे ही दिन क्लास मैस बंकिंग करना। लाइब्रेरी की साइलेंस से लेकर क्लासरूम की शोर तक, कैंटीन की लड़ाई में दूसरे के पंगे को अपना पंगा बनाना, और दूसरी तरफ हमारे क्रिएटिव वॉशरूम्स जो गर्ल्स के लिए मेकअप रूम एंड बॉयज के लिए एक सीक्रेट मीटिंग स्पॉट बन गए थे। एग्जाम्स का सिलेबस से लेके एग्जाम्स के एक रात पहले की कॉन्फ्रेंस कॉल, फ्रॉम नॉट स्टडीइंग टू नॉट लेटिंग स्टडी, एवरी सिंगल मोमेंट will be missed with new days of our lives. I know this is not a happy ending. Ab friends milenge, par woh friendship nahi. Naye log milenge, वो यादें नहीं जिन बातों पे हम हंसते थे, शायद अब उनको सोचेंगे तो आंखें नम हो जाएंगी। पर अब जब जब सन्नाटों में हंसी की आवाज सुनाई देगी तो हम पलटकर जरूर देखेंगे और ढूंढेंगे उन चेहरों को जो बिना बोले कितनी बातें भूल जाते थे। वो कई पल जो अधूरे थे पर हम सब साथ में हमेशा पूरे थे।
फ्रॉम नेवर स्टॉप ट्राइंग से खुद का जोक बनने पर भी अपने आप को सबसे कूल समझना, और एक ऐसा दोस्त जो हो तो किसी चीज का डर नहीं था, और एक ऐसा साथ जो हो तो सबको प्रॉब्लम्स में डाल दे, पर ना हो तो लगता है बहुत कुछ मिसिंग है। अब हमारे रूटीन्स बदल जाएंगे और टाइम भी अलग होगा, पर हम हमेशा अपने फ्रेंडशिप के बैग्स को खोलेंगे और हमेशा के जैसे एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर हर डिफिकल्ट टाइम सिचुएशन और प्रॉब्लम्स में जैसे मुस्कुराते थे वैसे मुस्कुराना सीख जाएंगे। हट जा तो फिर मैं मारूंगा उसको।